तो मैं स्वागत करता हूँ महराज मलिक का। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी आज, वो किसके बारे में आपने बुलाई? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद रहेगा, क्योंकि जब से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कराने हों, पिछले 2 साल पहले अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे लोग जो है मजबूर हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो वर्किंग कमेटी है, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आप SDM गुंदो की बात करेंगे, जिसकी ज़ेर निगरानी में ये पूरा इलाका आता है, इलाका भलेस, जो यहाँ के लोग जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से जो है काफ़ी नाराज़ हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, जिसमें यही बताया गया कि तानाशाही का दौर है, लोगों को जबरन जो है रोका जा रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक आदमी की वजह से जो है पूरा इलाका परेशान है। मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो यहां का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, ये यही है कि हमने जो है एक ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से हमारी ये मांग रहेगी कि अगर SDM थापा यहाँ से उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, यहाँ से उठाया नहीं जाएगा, तो हमें जो है एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है, जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से करनी पड़ेगी हमें। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जैसे हमने अभी तवाई का जो इन्होंने प्लांट वहाँ पर लगवाया है, जो लोगों के इस वक्त महल जिना महल कर रही है, आप इस वक्त वीडियोज भी देखेंगे, सुबह को मैंने एक वीडियो शेयर की, वहां उस इलाके का वातावरण अगर आप देखेंगे, एनवायरमेंट वहां का देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तानाशाही और SDM